जय हिंद व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बाल मजदूरी जैसे बढ़ती समस्या पर 10 लाइन का निबंध लिखेंगे। लाइन नंबर एक, बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण गरीबी और स्कूलों की कमी होना है। लाइन नंबर दो, जब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से कोई श्रम कराया जाता है तो वह बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। लाइन नंबर तीन, बाल मजदूरी के कारण बच्चे अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते और स्कूल भी नहीं जाते, इसलिए हमारे देश पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लाइन नंबर चार, लोगों में बाल मजदूरी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 12 जून को बाल श्रम दिवस भी मनाया जाता है। लाइन नंबर पांच, बाल मजदूरी हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। विकासशील शहरों में तो यह बहुत ही आम है। लाइन नंबर छह, ऐसे माता पिता जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं अपने बच्चों के स्कूल का खर्चा नहीं उठा पाते और रोजाना के जीवन यापन के लिए भी पैसे नहीं कमा पाते हैं, वह लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनके रोजाना के कठिन परिश्रम में शामिल कर लेते हैं। लाइन नंबर सात, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे तो हम सभी को आगे बढ़कर हमारे देश से बाल मजदूरी को खत्म करना होगा। लाइन नंबर आठ, यह तभी संभव होगा जब सभी लोग बाल मजदूरी को लेकर जागरूक होंगे और देश के प्रति अपने दायित्व को समझेंगे। लाइन नंबर नौ, वह बच्चे जो बाल मजदूरी जैसी समस्या में आ जाते हैं उनका बचपन उनसे छिन जाता है और वह स्कूल नहीं जाते, इसलिए उनका मानसिक विकास भी थम जाता है। लाइन नंबर 10, बाल मजदूरी को देश से खत्म करने के लिए सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि सभी लोग उन नियमों का उचित रूप से पालन करें, तभी हमारा देश हमेशा के लिए संपन्न देश बन सकेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक